जिंदे साज ते गंगा सुर पकड़े इंदी जमुना सिफत बयान करे इंदी लात मनात वीरीस करें महाराज को जो हैरान करे जेको मंदर दी सिलसिल रोवे तिन्हें कस्मा खुद भगवान करे ऊ सनम दी सबकत गोल जहां कोई गोल देवे एहसान करे। सरकिस्तान चैनल दे प्रोग्राम लोक रंग में मैं तुहाडा मेज़बान कौसर शबाज कौसर ते अज असां तुहाडे मिलवेंदे पए हैं एक ऊ शहर नाल बखर दी धरती दा माणे मुस्तर काजमी साहब उन्होंने मिलवेंदे नाल गल मुहाड़ करेंदे हैं ते इंशाअल्लाह सरकिस्तान चैनल अपने नवा प्रोग्राम गिन के आंदा जिन्हें तो इलाके दियाँ न्यूज़ देसूँ खबर देसूँ इंशाअल्लाह हर वाकया थी वाले वो तो दिखाए वैसन सुनवाए वैसन तुम सारे नार रहो सारी वीडियो देते रहो सब्सक्राइब करे सो चैनल शेयर करे सो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर मुस्तफा साहब खैरियत ठीक ही तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इलाका तो आदा हमारे इलाका डेरा इस्माइल खान गुलशन सादात माशाल्लाह जी हमारे तो मौजूदा रियाश ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਬੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੱਖਰ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੱਖਰ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੱਖਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ 2008 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 2008 ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਬਲਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਨਫਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋੜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਇ ਕੀ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾਤੀਆ ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। अल्फाज लाहे इदराक तू मैं किरतास ते साईं दी आन विच वाह वाह मेरा कलम लिखेंदा बोल पिया है मेरे नाल खामोश ज़बान विच वाह महबूब दी नात त लिखी है खुद खालिक पाक कुरान विच तू कमला मुस्तर क्या लिख सें सरकार नबी दी शान वाह वाह वा। एक अलम दे हवाले नाल तुहाडा कत्ता है जी हां जरा बहुत मशहूर है जी जी सोशल मीडिया ते हां बिल्कुल है जी जी कि जितना दिता है मौला काफ़ी है बिया लालच तो ढेर नहीं रख दे तू अलम दी जो शान पुछदा है असा साहे ते पेर नहीं रख वाह 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 जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा पसंदीदा शायर तुहाडा? पसंदीदा शायर मेरे बखर दे विच क्योंकि मैं सच अलावण दा कायलन बिल्कुल खुशामद जेड़ी अच्छी नहीं आती ते अच्छे शायर च एक सिफत होंदी है जी हाँ ते जेरे मेरे पसंदीदा शायर जिक्र आले मोहम्मद ते जी जी जेरा खूबसूरत कलाम लिख दे मैं उन्हां दा कलाम बहुत पसंद है उन्दे विच मेरे उस्ताद सरदार कबलई साहिब माशाल्लाह बहुत वड्डा नाम है जी हाँ अलमदार हुसैन अलमी अलमी साहब क्या बात है बहुत सोहना सलाम लिखते ते जफर बुखारी साहब माशाल्लाह बकाया भी अलहमदुलिल्लाह साडे उस्ताद कराम दी उस्तादां दी जहा दे उत्ते बकाया भी काफ़ी लोग हैं जेरे बहुत अच्छा कलाम लिखते न सौ उन्होंने कोई नया दे भाई लेकिन बहरहाल हर कहीं की पसंद अपनी है तो इस वास्ते जेरे मैं को पसंद नहीं लोग अच्छा जी हूँ क्या सुना दे पैसे हूँ तो आप मैं एक छोटी जी आजाद नज़्म सुने ना जरूर के दिल दी राह ते आ भी गई है वाह वाह हौले हौले टुरदा आवें माशाल्लाह दिल दी राह ते आ भी गया है हौले हौले टुरदा आवें भांज दी ताजी कणी पई है नवी सड़क बनी पई ते एक बई में छोटी आजाद नज़्म है के अंत मरण दा होका सुन के मोए को मता मिलन आवे अच्छा माशाल्लाह अंत मरण दा होका सुन के मोए को मता मिलन आवे सिख दी मुस्तर टंगणी उत्ते सादा धागा टंगी पाया है मौत तो मोहलत मंगी। वाह वाह अच्छा डेरे दी धरती दे सरेकी शौरा चो तुहाडा पसंदीदा शायर या जरा मौजूदा जी अच्छा लिखदा पिया होवे तुहाडी पसंद हाँ डेरा इस्माइल खान इच माशाल्लाह बहुत जरखेज मिट्टी है शायरी के हवाले बहुत खूबसूरत शायर खासकर सरेकी दे बिल्कुल ये डेरा इस्माइल खान को खास यानी कि अल्लाह ताला दी तरफ हुई तोहफा है जैन दे विच जेरे मेरे मकसद पसंदीदा शायर उन दे विच मखमूर कलंदरी साहिब नासिर जमशेद साहिब जमशेद नाशाद भी हैं बिल्कुल अच्छा बकाया भी काफ़ी हैं जिन्हें कोई ना मेरे जहन तो नहीं लेकिन बहरहाल मैं कुछ पसंद है ना जी
ये बड़ा अच्छे लिखा रही है बखर तो बहरी तो सब पढ़ा कला जी हाँ कह रहे कहने चाहिए मकसद मैं खुशाब भी पढ़ा है जी माशाल्लाह अपना पिपले पढ़ा है मियाँ वाली पढ़ा है काठगढ़ सादात भी पढ़ा है वो मैं अपने बखर के जितने इलाके हैं करोड़ तक लइए तक ये तकरीबन अलहमदुलिल्लाह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें दे जी हाँ करें फेसबुक क्या समझें दे भाई शायरी को वधारा देने पे सोशल मीडिया फेसबुक या ना इंदा अच्छा रोल यानी अदा थी इंदा पैसर है कि शायरी या ना जी जी बिल्कुल यानी कि हर फील्ड दे विच हर जहाँ दे उते मुख्तलिफ जहन दे मुख्तलिफ मकसद दे के इदराक दे जर्फ दे लोग मौजूद हैं इवें सोशल मीडिया दे उते भी इवें अच्छे लोग भी हैं मकसद थोड़ी उलट सोच रखने वाले लोग भी हैं लेकिन मेरी नज़र दे विच भाई फेसबुक थी या व्हाट्सएप थी या यूट्यूब चैनल जी में इंदे माशाल्लाह सराकी शायरी या उर्दू शायरी इंदे हवाले नाल काफ़ी काम थींदा पए और बहुत सोहना सोहना कलाम सा को पढ़ने को मिलता भी है उदे तो असा बहुत कुछ सीखते भी हैं हूँ क्या सुनवाए पाए हूँ मैं जिक्र आले मोहम्मद दाई थाकू बन सुने ना जरूर जेड़ा कि सारी सराकी सकाफत दे नाल गुंथा होया है यानी कि पुरानी सराकी दे लफ्ज उवें तो सराकी साड़ी माँ बोली जबान है साकू इंदे विच कोई मसला दरपेश नहीं आता जो भी हलों बाकी अपने अपने इलाके जा इलाके दा अपना अपना एक लहजा है डेरा इस्माइल खान ते बखर कुछ थोड़ा बहुत फर्क है लहजे दा मामूली है कोई इतना नहीं बहरहाल वो एक बंद जनाबे अम्मा सैन फिजा दे हवाले नाल जी 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 बिस्मिल्लाह वो काफ़ी मैं पजीराई भी उन बंद तो मिली है जिक्र आले मोहम्मद दे जी ते वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आते हैं उन्हें तो तवील एक नज़म है लेकिन मैं एक बंद पाक जरूर के बीबी पाक दा खुतबा नुमा है नज़म है अम्मा सैन फिजा फरमेंदे कि मेरी इज्जत करें दे जागते कुल हम यसरे कुल हम मक्का मैं दे हाथ दी रोटी खांदे पाक बतूल दा वेढ़ा यक्का मैं दे हाथ ते आन रखें दन पाक कमाई दा आना टक्का मैं दे जिम्मे अल्लाह लाए पांच तन पाक दा मल्ला पक्का सैन फरमेंदी है वन पवन्ने खाने होंदन रज रज जीवन जोगे खांदन जेड़े नूरी कुछ नहीं खाते मैडे हाथ दे गोगे वाह 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 बहुत खूबसूरत अल्फाज जबरदस्त सलामत रहो अच्छा मुआशरा भी लिखा है तुस जी हाँ मुआशरे ते और मुआशरे दे हवाले नाल जी हाँ यानी कि एक मैं नज़म लिखी है जेड़े आजकल मकसद इन दौर दे विच खास कर असा लोग फिरकां च वंडे होए हैं जी ते शहर दा तकरीबन मेरे ख्याल कोई मसला ठीक नहीं होंदा शहर दा काम होंदा मुहब्बतां मुहब्बतां वंडना बिल्कुल कहें दे उत्ते बंदा हिट बाजी या कह किस्म दा ओ ना करे हर कह दा मसला कर दिता अल्लाह को जवाब दे या मैं हुन अहले तशी हां इंदे विच मेरी ये कोई खूबी नहीं मैं ही अहले शिया दे घर जो पैदा तियां तो जहर मैं शिया ही होवां इमे अहले सुन्नत दे घर पैदा तयो अहले सुन्नत दे देव बांधे देव बांधे घर पैदा तयो देव बांधे इंदे विच साबु हिट करण दी कोई जरूरत बिल्कुल नहीं सारे ऐसा मुसलमान जी सारे मुसलमान और बल्कि मजहब है सारा बल्कि असाडे ई पाक सरजमीन दे उते हिंदू भी रांदे साडे भिरा बिल्कुल सच ईसाई भी रांदे नो साडे भिरा बिल्कुल कहे भी फिक्के मजहब मसलक दे लोग अगर सारी पाक धरती ते तो ओ साडे अम्मा जाए बिल्कुल बेशक उना नाल प्यार मोहब्बत नाल गल करनी चाहिए उना दे मजहब ते उना दे मसलक ते हिट नहीं करनी बिल्कुल बिल्कुल तो ओ एक इमे मसलक नज़म दा उनवान है जी जी ते बल्कि ए एक वाकया भी होए मैं एक कै जहाज उत्ते गया ते इने मैं एक जहाज ते पूछा है तो ओ बंदे मेरे कोलू पूछा है कि क्या वाकई मस्जिद तुहाकू शिया वाली जरूरत है या अहले सुन्नत लेकिन बहरहाल उ वेले त मैं उ वाके बस कोई होवे पई लेकिन मैंने ओ ज़हन ही चाहिए तो उंदे हिसाब जी 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 के मैं एक नवे शहर च गया वाह वाह वाथ एक बंदे कोलू पूछन वाह वाह वीरन इत्ता मस्जिद होसी उवा का है मस्जिद ता है ए दस होवे शिया आली या वत होवे सुनिया आली या होवे देवबदिया आली या कहीं खान रईस दी होवे मस्जिद अहल हदीस दी होवे मैं आखा है जीवे शाला मैं कोई जर दी कान नहीं पूछी तैं तू यार दुकान नहीं पूछी वाह 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 बहुत खूब मेहरबानी मैं ता हक दा दर पूछा है तैं तू रब दा घर पूछा वाह 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 जबरदस्त क्योंकि रब अकबर दा कोई मसलक को वो ता हर एक नाल ही कोजी है ये असा तू सही में बड़ा बिल्कुल सच है सच अच्छा शायर को सकाफत नाल अपने मुआशरे नाल प्यार होंदा है अच्छा दसो शायर शुरू तो होंदा है या ए महरूमियां ए वसाइल दी कमी जी जी
हादसात वाकियात उक शहर बने न नहीं शहर मेरा ख्याल है शुरू को होता है यानी या होता है या नहीं होता यानी ये होता है जमादरू शहर जी हां अगर जेड़ा शहर है वो जमादरू है वो वत अगु होंदी है सोबत दा होंदे उते असर होंदे यानी के अगु उंदी सोबत केड़े लोगा नाल है अगर वो शौरा नाल है तो वो जल्दी शहर बन वेंदे अगर मकसद है पहले वो इना शौरा दी महफिल अदबी महफिलों तो दूर है तो शहर उंदे अंदर खड़े लेकिन उन बेचारे को मौका सीखने का नहीं पिया मिलता इंतजार कर रहा नहीं हूँ मैं को याद आंदा कि भाई मैं तकरीबन वे तीजी चौथी पढ़ता असं दूजे लोगों के शेर पढ़ते आसे यानी कि मैं को आज नहीं तो याद एक मशहूर है कि भाई वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ये असं अक्सर दोस्त सुने आसे क्योंकि उतना सोबत को आई शहरी दी या सारे कोल एजा माहौल भी को आई अस देहाती लोग कचोकर लोग आसे उतना कोई इतना सारे कोल शौर इल्म एडा को आए जो भाई मकसद बस आम दिहाड़ीदार तबका लोग आसे मजदूर आसे भाई सारे वड़के सारे भाई अहबाब चाचे पितरे मजदूरी के चक्कर च रहा हैं कोई इस किस्म की महफिल नहीं होंगी भाई जैसे अस शेर आखा जिंदगी का पहला शेर जो अपना आखे कहना जी ओ जिक्र आले मुहम्मद के हवाले नाल उर्दू दा अच्छा तो शुरू शुरू दे विच मैं जिक्र आले मुहम्मद उर्दू दे विच शायरी कीती अच्छा माशाल्लाह लेकिन क्योंकि मेरा उस्ताद सरायकी दे हैं ते इना दी मैं सरायकी सुन के इना तो मुतासिर थियां दी वाला मैं अपनी सरायकी अच्छा जें दी वजह तो कुछ लोग शायर बन दे जी कुछ चेहरे जिंदगी जे जे आन जी कुछ मोड़ी है जे आन जी जी ओ चेहरे जें दी वजह तो सा शायरी वे जी जी कदे उना भी तुम्हारी शायरी सुनी अगर सुनिए तो उन्होंने द्वारा कहरा शेर पसंद हाँ मैं तो तकरीबन ये आखसा भाई जरा मैडा जहन मनेंदा है तो सवाल किया है भाई कोई असा आशिक मिजाज लोग तो को आसे शहर हुसन परस्त हुसन परस्त है हुसन परस्त जरा को नहीं तो शहर भी नहीं बिल्कुल क्योंकि शहर तो बारे आखा भी चंचल मिजाज है ये गल क्यों आई तुम्हारी तबीयत शहरी भी है चंचल मिजाज जी आपा मिजाज है और ये भी ना उस्तादा की मेहरबानी है खासकर उस्ताद नजीर ढाला खैर चलो माहौल बन गए इतने मैं एक तरह सवाल पूछसा जी जी भाई तुसा गड्डी ते वेंदे पे जी जी तुम्हारे को दो सीट है जी जी रस्ते ते तो आपको शायर मिल दन त्राए जी जी अलमदार अलमी सदर करबलाई जी जी कल्ब अब्बास जी केरे दो को नाल बलेसो जी जी कहीं को खड़ा वेसो ए ओका सवाल है लेकिन हकीकत है क्योंकि शायर ही और मेरी अखी के तारे मैं खुद खड़ा वैसा तो इन्हों को अपनी थाते अपने अखी से बुला के माशाल्लाह जबरदस्त अच्छा जिमें अजकल आजाद नजम का रिवाज जी तुम लिखी जी तुसा कह रहे थे आजाद नजम का मुस्तकबिल क्या है आजाद नजम क्योंकि मेरे हिसाब सारी सरायकी शायरी की सौखी सिंफ है अच्छा यानी कि रदीफ काफी मजमून को बदलना जरा औख होंगे तो ये जरा आसान है लिहाजा ये असं बड़े सौखे थी के बंदा एक लिख दिता है तो मेरे हिसाब से इनका मुस्तकबिल ठीक है प्रोग्राम के आखिर तक सब कुछ नज़म सुनवा देता है प्रोग्राम के आखिर तक मैं एक तक मजाजी जरा मकसद है कि हुसन परस्त जरूर नज़म होती है इस अपने मिजाज अपने मिजाज ठीक है सर मेरा कमला दिला दा है इंदा भी एक दिल बर हो वाह वाह मक्खन वांगू चिट्टा होवे माखी वांगू मिठा होवे नरम कपाह दा फंबा होवे होंठ गुलाब दे पत्तियां होवे खिले मुंह चो मोती किरण खिले मुंह चो मोती किरण ना बहुं पतला मोटा होवे जिसम बेदाम दा खोटा होवे ए जा चांद दा टोटा वाह वाह जबरदस्त है अल्लाह तआला ये ख्वाहिश मंजूर फरमावे ते जल्द तुम्हारी पूरी थी वजह मैं आखिर ते आखना चाहसा कि सरायकिस्तान चैनल का बहुत शुक्रगुजार हाँ तो शहबाज कौसर का जिन्हें मैं कोई काबिल समझाई तो मेरा इंटरव्यू किया है अल्लाह पाक था को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मैंने तुम सारे कितने वक्त कटे से बड़ी गल है मेहरबानी अल्लाह तो खुश रखे सलामत है।